तो आज की माइनक्राफ्ट की वीडियो मेरे चैनल की बाकी वीडियो से बहुत ज्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा कुछ ऐसे टॉपिक्स जो सच में बहुत ज्यादा हॉन्टेड होंगे। देखो यार, मैं सीधी बात बोलता हूँ कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और स्टार्टिंग में बचपन से ही मैंने यहाँ पर काफी लोगों से सुना है कि इस जगह पर भूत प्रेत का साया है या ये जगह बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। काफी लोग इसमें बिलीव करते हैं और काफी लोग बिल्कुल बिलीव नहीं करते। एग्जैक्टली इसी तरीके से माइनक्राफ्ट के अंदर भी कुछ ऐसी हॉन्टेड सीड्स हैं जिनको प्लेयर्स ने बिल्कुल खेलना छोड़ दिया है, क्योंकि उनका मानना है उस सीड के ऊपर भूत प्रेत का साया है। तो मैं खुद जाकर उन जगहों पर जाऊंगा ये एक्सपीरियंस करने के लिए कि क्या सच में वहां पर भूत प्रेत का साया है, और अगर हम लकी हुए तो वो चीज हमारे कैमरे में भी रिकॉर्ड होगी। वेल, वार्निंग दे देता हूं, आज की वीडियो थोड़ी सी हॉन्टेड होने वाली है, तो प्रिपेयर्ड रहना। लेट्स बिगिन। तो यहां पर मैं शुरुआत करूंगा विलेजर से, मतलब ये नॉर्मल विलेजर नहीं है, ये मरा हुआ विलेजर है, राइट? आपने शायद डी विलेजर के बारे में जरूर सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना मैं उनको बता देता हूँ कि ये विलेजर मर चुका है, और कुछ प्लेयर्स का कहना है कि उनको ये विलेजर्स काफी बार दिखता है, और ये विलेजर इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये आसपास वाले विलेजर्स को भी मार देता है, साथ के साथ जो नए प्लेयर्स आते हैं उनको भी ये काफी क्रीपी तरीके से मार देता है। तो इस वाले टॉपिक को मैं जल्दी से एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, देखते हैं कि डी विलेजर की सीड है जो सच में इतनी ज्यादा क्रीपी है क्या। तो जैसे मैं इस वर्ल्ड में आता हूँ सब कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल है, मतलब किसी प्लेयर को लगेगा ही नहीं कि ये कोई क्रीपी या कर्स्ड विलेज है, क्योंकि इस विलेज में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन क्रीपी पास्ता के हिसाब से, या कहें तो गूगल के हिसाब से, हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिससे कि डी विलेजर को हम स्पॉन कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली मैंने सेम स्ट्रक्चर बना दिया है जो गूगल ने बताया था। तो बस यहाँ पर मेरे को अभी रात होने का वेट करना है, शायद रात के अंधेरे में मेरे को कुछ यहाँ पर देखने को मिले। रात होने से पहले मैंने अपना एक घर बना लिया था, क्योंकि यार मैं विलेजर्स के घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ इन विलेजर्स के घर में, ताकि डी विलेजर्स के आने के चांसेस कम ना हो जाए। तो कुछ ही घंटों में यहाँ पर रात हो जाती है, एंड इस टाइम मैंने ना अपना एक एक्स्ट्रा कैमरा भी ऑन कर दिया है कि अगर मेरी आंखों से कुछ मिस हो जाए तो इस कैमरे में जरूर रिकॉर्ड हो जाए। वेल, जो सबसे चीज पहले मैंने नोटिस करी अपने घर से निकलने के बाद वो ये थी कि पूरा विलेज सुनसान पड़ा है, यहाँ पर एक भी विलेजर नहीं है। एंड इस चीज को मैं देख के इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता हूँ, क्योंकि कुछ ही घंटों पहले जब मैं इस विलेज के अंदर आया था तो काफी ज्यादा चहल पहल थी, बट यहाँ पर अब एक भी विलेजर नहीं दिख रहा है। इवन मैंने उनके घरों को भी चेक करा, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं था। एंड मैं यहाँ पर समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होना यहाँ से शुरू हो चुकी है, और मैं लेजिट बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कोई मेरे ऊपर नजर जमाए बैठा है। थोड़ा ढूंढने के बाद फाइनली मैं अपना एक कैमरा चेक करता हूँ जिसमें मेरे को कुछ इतना क्रीपी दिखता है, मेरे को बिलीव भी नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैं उन घरों को एक्सप्लोर कर रहा था, विलेजर्स को ढूंढ रहा था, तो पेड़ के पीछे से मेरे को कोई घूर रहा था, मतलब ये मेरे को विलेजर जैसा ही लग रहा है। और मैं अब समझ जाता हूँ कि भाई इसी विलेज के अंदर डी विलेजर भी है और वो मेरे को कहीं दूर खड़े होकर घूरे जा रहा है। इस टाइम तक तो मैं इतना कन्फर्म था कि हाँ भाई डी विलेजर सच में है, लेकिन अभी यहाँ से शुरू होती हैं ऐसी चीजें जिसको देख के मैं सच में बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। इसी विलेज के किसी एक घर में से रोने या चिल्लाने की आवाज आती है। इस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा क्रीप्ड आउट हो चुका था, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट की आवाज नहीं है मेरे भाई। बहुत ज्यादा हिम्मत करके मैं एक एक कदम आगे बढ़ाता हूँ और उस घर के पास तो पहुंच जाता हूँ, लेकिन वो आवाज आना बंद हो जाती है, और जैसे मैं दरवाजा खोलता हूँ तो उस घर के अंदर कोई भी नहीं मिलता। वेल, मैं इस टाइम पे इतना ज्यादा क्रीप्ड आउट था कि मैं बिना कुछ सोचे अपने घर में चले जाता हूँ और बस सुबह होने का इंतजार करता हूँ। तो यहाँ पर सूरज तो उग चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी एक चीज है कि एक विलेज जो बिल्कुल चहल पहल करता था एक टाइम पे, अभी वो विलेज बिल्कुल अबेंडेंट पड़ा है। तो जो मेरा बाकी का दिन था उसमें मैंने कुछ ज्यादा खास नहीं करा, अपने टूल्स वगैरह बनाए, खाना वगैरह रख लिया ताकि मेरे को अगली रात के लिए काम आए ये चीजें। तो फिर से आती है एक और रात जिससे बहुत ज्यादा डर लग रहा था यार। जैसे ही मैं घर के बाहर निकलता हूँ, एग्जैक्ट मेरी आंखों के सामने आसमान से बिजली गिरती है, एंड इस टाइम मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि भाई बारिश का बिल्कुल मौसम नहीं है और रात के टाइम पे बिजली गिरना बहुत ज्यादा अलग बात है। एंड मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ से आज रात निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। और कुछ ही टाइम बाद मेरे आसपास से फुटस्टेप्स की आवाज आती है। मैं इस पूरे विलेज में अकेला हूँ, लेकिन मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं कि आसपास मेरे कोई घूम रहा है जिसको मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता, और अगेन वही चीज रिपीट होती है। एक घर में से वापस से चिल्लाने और रोने की आवाज आती है। वापस से मैं हिम्मत करके उस घर के पास जाता हूँ, लेकिन इस टाइम मैं दरवाजा खोलता हूँ तो मेरे को कुछ ऐसा दिखता है। सच बोल रहा हूँ, मेरी बॉडी से मेरी रूह निकल गई थी भाई, और तभी मेरे ऊपर बिजली गिरती है एंड आई एम डेड। वेल, इतना ज्यादा क्रेजी एक्सपीरियंस आज तक नहीं करा मैंने माइनक्राफ्ट में। और जब मैं वापस से रिकॉर्डिंग को चेक करता हूँ जो मेरा दूसरा कैमरा था, तो उसमें भी ये रिकॉर्ड हुआ है कि मैं घर के सामने खड़ा हूँ, उस टाइम बहुत ज्यादा डर जाता हूँ और तभी मेरे ऊपर बिजली गिरती है एंड आई एम डेड। वो वीडियो की पहली स्टोरी का ऐसा एक्सपीरियंस,
ऑब्वियसली भाई भले ही ये गेम हो लेकिन बहुत ज्यादा डर लगता है। तो चलो अपनी सेकंड स्टोरी को भी एक बारी जरा एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो गाइस जो हमारी अगली स्टोरी है वो इससे भी ज्यादा डरावनी है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले मैं आपको Lotus365.in के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप IPL देखकर काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हो। यहाँ पर नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी या कौन सी टीम मैच जीतेगी, और ऐसी 50 से ज्यादा क्वेश्चंस है क्रिकेट से रिलेटेड। तो अभी रजिस्टर करो Lotus365 पर, क्योंकि रजिस्टर पे ही आपको 365 रुपीस फ्री मिलेंगे। और तो और आपको यहाँ पर 1-to-1 24 कस्टमर सर्विस भी मिलेगी। और तो और 10 मिलियन से ज्यादा लोग Lotus365 को खेलते हैं। इवन यहाँ पर 200 से ज्यादा गेम्स है इंक्लूडिंग क्रिकेट, जहाँ पर आप अपना आंसर गेस कर बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात, ये बॉलीवुड के फेमस सेलिब्रिटीज जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ये सब इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय Lotus365.in पर अभी रजिस्टर करो, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट वाली स्टोरी के ऊपर। डिस्क 11 एंड डिस्क 13 माइनक्राफ्ट की सबसे डरावनी आवाजें आपको इन दोनों डिस्क में मिल जाएंगी। लेकिन लोगों का कहना है जब हम इन दोनों डिस्क को साथ में प्ले करते हैं तो बहुत ज्यादा हॉन्टेड चीजें होना शुरू हो जाती हैं। और इस टाइम पे मैं एग्जैक्ट एक ऐसे जंगल के बीच में खड़ा हूँ जिसके आसपास कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने घर को बना लेता हूँ, यार प्रोटेक्शन तो सबको ही चाहिए होती है। और जैसे ही मेरा घर बन जाता है, मैं अपने घर के बाहर दो ज्यूक बॉक्स रखता हूँ जिसके अंदर एक डिस्क 11 और एक डिस्क 13 प्ले हो रही होती है। ये दोनों ही डिस्क सच में बहुत ज्यादा स्केरी है। वेल मैं भी तो घने जंगलों के बीच में हूँ, अगर भागने की भी कोशिश करूंगा तो मुश्किल होगा काफी ज्यादा। और थोड़ी देर वेट करने के बाद ये दोनों ही रिकॉर्डिंग्स खत्म हो जाती हैं। एंड अभी बस मेरे को वेट करना है कि क्या सच में इस वर्ल्ड में कुछ हॉन्टेड होने वाला है। तो मैं भी थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए अपनी टॉर्च को ले जाता हूँ जंगलों के बीच में, शायद मैं अपने कैमरे में कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। एंड तभी मेरे को वुड्स के पीछे से आवाज आती है, Get out. आई डोंट नो ये किसकी आवाज है, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में मैं इस टाइम पे अकेला हूँ। और बड़ी डर डर के मैंने जंगल में एक्सप्लोर तो करा बट मेरे को कुछ भी नहीं दिखा। और जब मैं वापस घर आता हूँ और अपना कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ तो मेरे को कुछ ऐसा दिखता है जो सच में बहुत ज्यादा क्रीपी था। जिस टाइम मैं अपने जंगल में एक्सप्लोर कर रहा था तो पेड़ों के पीछे एक ऐसी बड़ी सी शैडो खड़ी हुई थी जो माइनक्राफ्ट गेम की तो बिल्कुल भी नहीं थी, और वो मेरे को दूर से खड़े होकर बस घूरे जा रही थी। तो इस टाइम पे मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहता था। तो जो मेरे गेट लगे हुए थे वहां पर मैंने ब्लॉक्स प्लेस कर दिए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जिस टाइम मैं सो रहा हूं मेरे घर में कोई एंटर हो जाए। वेल, मेरे साथ क्या होने वाला है ये अभी आपको पता चलेगा। जैसे ही मैं बेड पे सोने जाता हूं और सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो भाई मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सच बोल रहा हूँ। मेरे बेड के ब्लॉक्स को छोड़ के सारे ब्लॉक्स को डिग कर दिया गया है। मैं यहीं से खड़े खड़े बेडरॉक देख सकता हूँ, और ये चीज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि भाई एक सेकंड के लिए मेरा दिमाग भी फ्रीज हो गया था वहीं पर। मैंने वो ब्लॉक्स को तोड़ा जिससे मैंने अपने गेट को ब्लॉक कर रखा था, और ब्लॉक्स की मदद से मैं पहले तो घर से बाहर निकलता हूँ और आसपास देखता हूँ तो सब कुछ नॉर्मल दिखता है। और ये चीज मैं अभी भी क्लियर नहीं कर पा रहा था, और तभी मेरी बॉडी पे कुछ मार्क्स दिखते हैं जैसे किसी ने मेरे को पंजे मारे हों। और फिर मैं तुरंत अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग्स चेक करता हूँ बट अनलकी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। पता नहीं ऐसा क्या ग्लिच हुआ है कि कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन करने पर एरर लिखा रहा है। तो मैंने सोच लिया था कि यार बस मैं एक रात और रुकने वाला हूँ, उससे ज्यादा यहाँ पर और रात नहीं बिताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने घर के फ्लोर को ठीक करता हूँ और वापस से इन दो ज्यूक बॉक्स की डिस्क को प्ले करता हूँ, इस होप में कि इस बारी मेरे कैमरे में कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। एंड फिर से आती है एक और रात, और मैं फिर से अपने गेट को ब्लॉक कर देता हूँ और फिर से सोने चले जाता हूँ। एंड जब मेरी सुबह आँख खुलती है तो एग्जैक्ट मेरे साथ वही चीज सेम होती है, लेकिन इस बारी मेरे नीचे पूरा लावा भरा हुआ है। तो मैं बिना देरी करे अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ, और लकीली इस बारी कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन तो हो जाती हैं, बट थोड़ा बहुत ग्लिच अभी भी आ रहा है इन कैमरा की रिकॉर्डिंग्स में। और उस रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है जो सच में ही ज्यादा हॉन्टेड है यार। मेरे सोते वक्त नीचे से कोई ब्लॉक्स को डिग कर रहा होता है, एंड जैसे ही वो दिखता है तो भाई मैं हिल सा जाता हूँ। एक ऐसा सर जो बिना बॉडी के है, और उसके सर के नीचे से खून निकल रहा है। एंड तभी कोई ग्लिच की वजह से वापस से रिकॉर्डिंग्स बंद हो जाती हैं। मैं समझ चुका था कि भाई इन डिस्क की वजह से कुछ ना कुछ तो हॉन्टेड यहाँ पर शुरू हो चुका है जो मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, बट तड़पा क्योंकि अगर वो मेरे को मारना चाहता तो डायरेक्ट वो बेड के ब्लॉक्स को भी तोड़ सकता था। और मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। जब मैं बाहर जंगल को एक्सप्लोर करने गया था तो घर के अंदर जो खिड़की लगी थी उसमें से वही सेम हेड जो मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था वो उस खिड़की में से झांक रहा था। इसका मतलब वो पहले से ही सब कुछ प्लान कर रहा था कि कैसे वो मेरे को मार सकता है। तो ये सब होने के बाद मैं सच में बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। और वो जो दो वर्ल्ड थे जिसमें एक में डी विलेजर था और एक वो एंटिटी जिसकी बॉडी नहीं थी, वो दोनों ही वर्ल्ड मैंने डिलीट मार दिए हैं, क्योंकि मैं
उन दोनों वर्ल्ड में वापस कभी नहीं जाना चाहता। तो गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और हॉन्टेड चीजों को एक्सप्लोर करने जाऊं तो इस वीडियो पे 30K लाइक्स करवा देना और नीचे कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा स्केरियस्ट पार्ट कौन सा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।